कनु भाई देसाई जी की मांग मालूम है कि इसके सामने एक फ्लाईओवर बनाने का है। मैं फ्लाईओवर बनाने की घोषणा करता हूं और 3 महीने के अंदर टेंडर निकल जाएगा, क्योंकि नहीं तो कन्नु भाई कहेंगे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटेंडर। रज्जू भाई के लिए मैं क्या कहूं, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया है और मुझे मालूम है कि ये डिग्री से उनका सम्मान केवल बढ़ा नहीं है, तो ये डिग्री उनको देने से पद्मभूषण किताब की इज्जत बढ़ी है, क्योंकि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिसर्च एग्रीकल्चर इवन इन बहुत सा बड़ा नॉलेज जो उन्होंने उनके यूनाइटेड फास्फोरस और बाकी इसमें से इतना अच्छा काम किया है कि वी रियली प्राउड ऑफ हिम, और इसीलिए मैं उनके प्रति अपना सम्मान और रिस्पेक्ट व्यक्त करने के लिए आज आया हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको हमारा मार्गदर्शन वो ऐसे ही करते रहे और निरोगी जीवन मिले, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ, जबकि रज्जू भाई का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यह यूनिवर्सिटी एक्सेलेंट होगी और वर्ल्ड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी करके रिकग्नाइज होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस के लिए भी यहाँ के प्रोफेसर स्टूडेंट्स सभी लोगों को ट्रस्टीज स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा ले आते हैं, और इसलिए एजुकेशन इज अवर फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ये हमारी मिशन, एंड बाय यूजिंग एजुकेशन एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वी नीड टू डेवलप इंडिया एज सुपर इकोनॉमिक पावर। मुझे विश्वास है कि रज्जू भाई के मार्गदर्शन में ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छा काम करेगी। मैं क्षमा मांगूंगा कि आज मुझे आने में देरी हुई, क्योंकि आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, आधा एक घंटा मैं सुबह उनके घर पर था, तो नेचुरली मैं सुबह लेट निकल पाया दिल्ली से। आज दिल्ली मुंबई हाईवे का भी निरीक्षण करने का वक्त था, यहाँ थोड़े से प्रॉब्लम थे तो अधिकारियों के साथ वो भी मैं आया हूँ। मुझे कनु भाई देसाई जी की मांग मालूम है कि इसके सामने एक फ्लाईओवर बनाने का है। मैं फ्लाईओवर बनाने की घोषणा करता हूँ और 3 महीने के अंदर टेंडर निकल जाएगा, क्योंकि नहीं तो कन्नू भाई कहेंगे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटेंडर।